Okay, so students, please take out your pen and copy and make some notes with me. तो आपको भी थोड़ा अंदाजा रहेगा कि सर ने क्या-क्या पढ़ाया था. नोट्स आज मैं लिख के ही आया हूँ, ठीक है? तो आपको आज स्क्रीनशॉट ही डायरेक्ट लिखने हैं, और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट उसके ले लोगे, आप अपनी नोट्स के अंदर लिख देना, ठीक है बच्चों? ओके, चलिए. हमने कल क्या किया था बच्चों? कल हमने थोड़ा बहुत, जस्ट अ मिनट, ओके. तो एज वी नो दैट गाइस, कि हमने मिरर्स के बारे में बात करी थी. मिरर्स के अंदर हमने ये कॉनकेव मिरर को समझा था, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने समझाई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, होल, फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी चीज, ठीक है? उसके बाद कल हमने डायग्राम्स देखे थे इमेज फॉर्मेशन के ऊपर के. तो इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है कॉनकेव मिरर के अंदर? तो पहला हमने देखा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, तो इंफिनिटी के अंदर बेटा इमेज जो होती है वो कहाँ पे बनती है? फोकस के ऊपर बनती है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल के अंदर आपको सब कुछ मैंने पॉइंट आउट करके दिया है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर इंफिनिटी है तो इमेज जो होगी वो फोकस पे, और उसका जो नेचर होगा वो होगा रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, ठीक है? यानी कि क्यू जो भी रेज यहाँ पे आ रही है वो सारी रेज कन्वर्ज होगी कहाँ पे? फोकस पे, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट रूल है. एज वी नो कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ रूल्स को याद रखना है, ठीक है? रूल्स के साथ साथ हमें इसके जो भी डायग्राम से उसको रट्टा नहीं मारना है. हाँ, अगर आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन याद है तो आप उसकी इमेज की पोजीशन याद कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई एग्जाम के अंदर हमारे से रे डायग्राम नहीं बनता है, तो अगर हमें ये पता हो कि सर ने जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था तो जो इमेज थी वो बिटवीन सी एंड एफ मिल रही थी, ठीक है? तो ये चीज अगर आपको याद होगी तो आप इजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बिटवीन जब सी अब बियॉन्ड सी होता है, ठीक है, तो हमारा जो इमेज होता है वो होता है बिटवीन एफ एंड सी. इसमें लिखा हुआ है बिटवीन इंफिनिटी एंड देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि बहुत दूर भी नहीं और बिल्कुल सी के पास भी नहीं, उसके बीच में, जिसको हम बियॉन्ड सी भी बोलते हैं, ठीक है? आपके एनसीईआरटी में बियॉन्ड सी लिखा होता है. तीसरा जो होता है वो होता है एट सी. हमने दो रूल यूज करके हमको बनाया था कि जहां पे ऑब्जेक्ट बनता है बच्चों वहां पे ही इमेज होता है, सेम साइज होता है, रियल है, और रियल के साथ फ्री होता है इन्वर्टेड. उसके साथ हमने देखा था सर, ऑप्शन में देखो डी है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होता है तब क्या होगा? सो व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ देन द इमेज फॉर्मड एट बियॉन्ड सी, ठीक है? ये चीज हमने पढ़ी हुई है, जहां पे हम देखते हैं कि रियल इमेज होता है, एनलार्ज इमेज होता है, और इन्वर्टेड होता है. तो जब भी एक चीज हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज बहुत छोटी होगी, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को जब नजदीक लेके आते हो तो इमेज बड़ी बनती जाती है, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि जब सी पे रखा था तब सी पे क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम मिल रहे थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिटवीन सी एंड एफ पे इमेज जो है वो बियॉन्ड सी चली गई और इमेज जो है वो एनलार्ज्ड हो गई, और जब हमने इंफिनिटी पे रखा था तो फोकस पे इमेज बन रही थी. इसका वाइस वर्सा भी होता है, जब आप इसको फोकस पे रखते हो तब आपको इन्फिनिटी मिलती है. कल हमने ये देखा था और मैंने बताया था कि ये जो केस है वो हमारे कार के हेडलाइट्स के अंदर यूज होता है, जहां पे फोकस के ऊपर एक छोटा सा बल्ब रख देते हैं, और जैसे इस बल्ब को फोकस के ऊपर रखते हैं तो इसकी जो रेज होती है वो इनफाइनाइट तक जाती है. उसके बाद हमने देखा था बेटा केस नंबर एफ, जहां पे ऑब्जेक्ट जो था वो बिटवीन पी एंड एफ था, एंड एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू गाइस ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है. सीबीएसई पूछती है ये क्वेश्चंस को कि पी और एफ के बीच में अगर डिस्टेंस हो, सो हमारा मतलब पी एंड एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो तब हमारा जो इमेज होगा वो बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है. आज हम बेटा कुछ ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर की बात करने वाले हैं, ठीक है? तो कॉन्वेक्स मिरर सर हमको पता है कि ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो चीज है, ठीक है? एक होता है पोल और एक होता है फोकस और एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. इज दिस क्लियर? हाँ, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कुछ इस हिसाब से होता है. हाँ सर, अब इसको इमेज को पहले हम रखेंगे बहुत दूर, दैट मीन्स इंफिनिटी और पोल के बीच में, यहाँ पे इंफिनिटी होगा कहीं पे और पोल के बीच में अगर रखे, ठीक है? सो फर्स्ट लाइन इज पैरेलल, जब ये पैरेलल जाती है तो हमें पता है कि सर अपीयर होती है फोकस से जाती हुई,
लेकिन ये यहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, और फोर्थ नंबर का रूल लगाओ, पोल पे गई तो उसी एंगल से ये बाहर आती है, अपियर होती है कुछ यहाँ पे, तो इसकी जो इमेज होगी वो कहीं पे बिटवीन पी एंड एफ बन रही है। ठीक है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम एज वेल कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट लाइट गई और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन अपियर कहाँ पे हुई, फोकस से जाती हुई। ठीक है, दूसरी रेस को हमने बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेजा, सी वाला रूल सबको याद है, सेम होती है तो बेटा सेम ही पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट होती है। बट हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ पे जो आपको एरोज दिखाए गए हैं ये छोटे वाले, जहाँ पे एरोज है वो इस तरफ जा रहा है और यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, उसको आपको याद रखना है। और उसके जो आपके नेचर ऑफ इमेज है वो हमेशा याद रखना, हमेशा कॉन्वेक्स डिमिनिश्ड इमेज देता है, ये कभी भी आपको एनलार्ज इमेज नहीं दे सकता, और ये हमेशा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बच्चों वो आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट देता है, तो इसकी जो आपको लोकेशन होगी वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होगी। ओके स्टूडेंट, सो ये हो गया पहली चीज। अब हम सर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, ऑब्जेक्ट को रख दो इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो सर, तब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों सेम चीज बना देते हैं, तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर बेटा मिरर के सामने, इट्स अबाउट 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बियॉन्ड इन्फिनिटी मतलब ऐसा नहीं कि सर ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया, एक होल से दूसरे होल में रख दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है तो भी हम इसको इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, एज वी नो गाइस के जो लाइट दूर से आती है वो हमेशा कैसी आती है, पैरेलल आती है। ठीक है, तो फर्स्ट रे गई पैरेलल, रूल्स पता है सर हमें, जब लाइट पैरेलल जाती है अपीयर होती है फोकस से जाती हुई, यहाँ पे स्केल रख देनी और इसको सेंट्रली ऐसे कर देना है। इज दिस क्लियर? ओके सर, देन अगेन ये लाइट आई पैरेलल है, अपीयर होगी सर फोकस से, यहाँ पे लाइट आई पैरेलल है, निकल गई यहाँ से और अपीयर हुई फोकस पे, यानी कि सर यहाँ पे एकदम डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। डिमिनिश्ड इमेज को हमने कल बोला था पॉइंट साइज इमेज, कैसी इमेज, पॉइंट साइज इमेज। इज दिस क्लियर गाइस? तो ये दो चीज अपने को रे डायग्राम इसके दो ही है, कॉन्वेक्स मिरर के दो ही रे डायग्राम से, और इसमें बेटा आपको ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख सकते हो, इमेज जो होगी वो हमेशा छोटी ही आएगी। मेनली आपके जो सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी कोर्स के अंदर जो दिए हुए हैं उसके अंदर दो लोकेशन दी हुई है, पहली एट इंफिनिटी जो कि बहुत ईजी होता है, लाइट आएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी अपियर होगी फोकस में जाती हुई, ऑल द रेज आर कमिंग पैरेलल इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी, यस और नो? यस। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनती है, कितनी बन रही है, साइज तो देखो सर बहुत छोटी, एकदम पॉइंट साइज। हाँ लेकिन बेटा बिहाइंड द मिरर है, और बिहाइंड द मिरर जितनी भी इमेज हो वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। कैसी इमेज होती है बच्चों, वर्चुअल। तो चलिए बेटा जल्दी से हम यहाँ पे एक बार इसको क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा कि कॉन्वेक्स के अंदर अगर हम कहीं पे भी इमेज रखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल में, यहाँ पे आपकी जो इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी। ठीक है, और किसके बीच में दिख रही है सर, पोल और फोकस के बीच में एक छोटी सी इमेज दिख रही है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर आपको कहाँ पे दिखते हैं वो भी हम दिखाएंगे अभी, कि प्लेन मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन तीनों के यूजेस क्या है। प्लेन मिरर के यूजेस तो हम जानते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं प्लेन मिरर के यूजेस सर, हमारे डोमेस्टिक यूजेस के लिए होते हैं, घरेलू यूज के लिए होते हैं, बट कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोथ आर दी स्पेशल मिरर्स, जिसको हम हमारे स्पेशल कामों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर, ये चीज समझ में आ गई। तो रे डायग्राम्स यहाँ पे आपके होते हैं खत्म, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, हमने पढ़ा था कॉनकेव, अगर कॉनकेव में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है फोकस पे इमेज बनती है, रियल होती है, इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज है। ठीक है, उसके बाद बेटा देखा था हमने ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी में इमेज जो होती है वो बिटवीन सी एंड एफ होती है। बेटा कभी कभार बहुत हम ऐसा सोच के जाते हैं कि बॉल जो होगी वो बहुत स्पीड में आएगी, लेकिन बॉल जो होगी वो एकदम धीरे से आ जाती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हम ये सोच के जाते हैं कि बहुत टफ पेपर निकलेगा, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन 1 मार्क में वो पूछ लेते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इमेज इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो बेटा डायरेक्ट 1 मार्क मिलेगा बिटवीन सी एंड एफ, ये क्लियर है? हाँ, एट सी पे, एट सी, अगर ऑब्जेक्ट से सी पे रखा है तो इमेज भी सी पे मिलती है, अगर सी से थोड़ा आगे जाओगे तो इमेज पीछे चली जाएगी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बीच में है, ठीक है, तो इमेज जो होगी वो क्या होगी बेटा, बियॉन्ड सी होगी, और अगर बेटा वापस ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेके आ जाओ तो फोकस पे इनफाइनाइट तक चली जाती है। ठीक है, और जब इनफाइनाइट पे जाती है यानी कि ये बहुत बड़ी इमेज बनाती है, ठीक है, यानी कि इसको हाईली एनलार्ज बोलते हैं, और ये लास्ट वाला केस तो मैं पता ही है कि जब भी ऑब्जेक्ट एफ एन बिटवीन एफ एन पी में होता है
तब ये बिहाइंड द मिरर होता है, और ये डेंटिस्ट यूज करते हैं, और हम इसको यूज करते बेटा कहाँ पे, मेकअप किट के अंदर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर आज देखा। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सर बहुत सिंपल है कि अगर ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, सॉरी कॉन्वेक्स में हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज जो होगी वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही होगी। तो हमेशा याद रखना, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इन तीनों में से क्या क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको बताऊंगा इन 2020, ठीक है। सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन मेंशन कर देना अपनी नोट्स के अंदर। एक बच्चा है, ठीक है, जो कि एक मैजिकल मिरर के सामने खड़ा हुआ है। किसके सामने? मैजिकल मिरर के सामने। इस मैजिकल मिरर के सामने उसका जो हेड है वो उसके एक्चुअल साइज से बहुत बड़ा आ रहा है, बिगर आ रहा है। ओके, पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में उसका जो मिडल पार्ट है, उसके बॉडी का जो मिडल पोर्शन है वो एकदम सेम साइज आ रहा है। आप लोगों को आंसर अपने चैट बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। और जो अपने लेग्स है वो लेग्स जो है वो एकदम स्मॉलर दिख रहे हैं इसके, इस बच्चे के जो लेग्स है वो एक्चुअल साइज से स्मॉलर दिख रहे हैं। ओके, तो तीन पार्ट के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो क्या यहाँ पे आप बता सकते हो कि फर्स्ट पार्ट में कौन सा मिरर होगा, सेकेंड और थर्ड में कौन सा मिरर होगा? चलिए जल्दी से बेटा आप अपने आंसर चैट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैं रीड कर रहा हूँ कि कितने लोगों को ये समझ में आया। क्वेश्चन में वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, ठीक है, एक बच्चा है वहां पे, और वो बच्चा एक कहाँ पे दिख रहा है बेटा, एक मिरर के सामने दिख रहा है, वो एक मैजिकल मिरर है। अब मैजिकल मिरर के अंदर क्या हो रहा है कि उसका जो सर है वो एकदम बड़ा दिख रहा है, उसका जो मिडिल पोर्शन है बॉडी का वो एकदम सेम साइज दिख रहा है, और जो उसके लेग्स है वो एक जितने है साइज के उससे छोटे हैं। चलो दो आंसर आए हुए हैं, पहला कॉनकेव प्लेन एंड कॉन्वेक्स, मिश्का त्रिशा अमी एक ही आंसर है, बट हाँ सही है मिश्का, वेरी गुड बच्चा, त्रिशा वेरी गुड, अमीशा आंसर दे रही है, वेरी गुड, कॉनकेव प्लेन एंड कॉन्वेक्स, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप इतना अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। मिश्का अमी, यस, ईशानवी ने भी आंसर दिया हुआ है, अपर कॉनकेव मिडिल प्लेन एंड कॉन्वेक्स, वेरी गुड बच्चों। तो अगर ऐसा क्वेश्चन इजी हो जाए तो क्या हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हाँ सर। सो ये चीज हमने देख ली, ठीक है। ओके चलिए, जस्ट मिनट, ओके चलिए अब बात आती है बेटा किसकी, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर की, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है कि कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए उसको मैं रीड कर रहा हूँ। यूजुअली कॉनकेव मिरर आर यूज इन टोर्चेस, टोर्च के अंदर यूज होते हैं बेटा, ठीक है। सर्च लाइट इसके अंदर यूज हो सकता है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो एज आई टोल्ड यू गाइस इन तीनों केस के अंदर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाता है, एट फोकस, मेंशन कर देना बच्चों। क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते कि अगर इसको टॉर्च के अंदर कौन सा मिरर यूज किया है और उसके ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया होगा, तो यहां पे आपको सिंपली लिख देना है एट फोकस, ठीक है। इन तीनों के अंदर जो सर्च लाइट है, टॉर्चेस है, ठीक है, उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस के ऊपर होता है। दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड एज अ शेविंग मिरर टू ऑब्टेन अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। जब इसको शेविंग मिरर के अंदर यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो बिटवीन पी एंड एफ के बीच में रखा जाता है। क्या सर ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है ऐसा कि अगर शेविंग मिरर में यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट शुड बी एट व्हाट पोजीशन, देन यू हैव टू मेंशन दिस ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन पी एंड एफ। डेंटिस्ट यूज करते हैं अगेन, वो भी ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के, छोटे से दांत का एक बड़ा सा इमेज दिखता है बिटवीन पी एंड एफ के अंदर, और लार्ज साइड कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ सोलार फर्नेस, ठीक है। सोलार फर्नेस एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जो कि कॉनकेव शेप की होती है, मिरर्स ऐसा बना देते हैं, ठीक है, इस बिल्डिंग को, और इस बिल्डिंग में क्या होता है कि लाइट आती है पैरेलली और एक जगह पे फोकस करवाते हैं इस लाइट को, और जब ये लाइट फोकस होती है तो एकदम पावरफुल बीम बनाती है, ये क्या बनाती है, पावरफुल बीम। और उसके बेटा बहुत सारे फिर इनको यूज करते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोलर पावर प्लांट्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोलर पावर प्लांट, जिसको हम सोलर फर्नेस भी बोलते हैं, ठीक है।
सोलर फर्नेस का अभी मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं डाला है, अगर कल आऊंगा तो डेफिनेटली इसके अंदर मैं डाल दूंगा। सोलर फर्नेस ऐसा बिल्डिंग जैसा एक बड़ा सा शेप में, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर बनाते, बहुत सारी लाइट को फोकस करवाते हैं उस पैरेलल बीम से, और जहां पे फोकस बनता है वो बहुत बड़ी एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, जहां पे आपको एक फोकस मिल रहा होता है, और फिर उसी एनर्जी को दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर करते हैं। ओके, ये हो गया बेटा कॉनकेव की कहानी, ठीक है। दीज आर दी यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। इजी है सर? हाँ इजी है, चलिए जल्दी से बताएं कहाँ पे कर दिया। एक होता है कॉनकेव मिरर, कहाँ पे? टोर्चेस के अंदर, सर्च लाइट के अंदर, हेडलाइट के अंदर, सॉरी हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल के अंदर। उसके बाद बेटा हमारे पास है क्या, शेविंग मिरर्स, मेकअप मिरर्स के अंदर यूज होता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं, और सोलार फर्नेस। याद रखना, क्या याद रखना बच्चों? सोलार फर्नेस। ओके, ये हो गया बेटा कॉनकेव। अब बात आती है बेटा कॉनवेक्स की, यूजेस ऑफ कॉनवेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉनवेक्स मिरर। नाउ एज वी नो दैट कि कॉनवेक्स मिरर जो होते हैं, ठीक है, थीके? वो हमेशा वर्चुअल इमेज देते हैं। हाँ सर, तो अगर ये वर्चुअल इमेज यूज करते हैं बेटा, या तो प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसको तो पहले हम अपने पार्किंग एरियाज के अंदर देखा होगा। आजकल वो एस्थेटिक फोटोज नहीं डालते, ठीक है, वैसे तो वो पार्किंग स्लॉट्स के अंदर हमको देखने को मिलता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर बेटा दूसरा कहाँ पे यूज होता है? द मिरर दैट वी सी ऑन द साइड ऑफ अ कार विच द ड्राइवर यूजेस टू सी द इमेज ऑफ द व्हीकल। आपने साइड में देखे होंगे, ठीक है, कार के अंदर जो मिरर लगे होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो ये आपको आंसर दिखना है, टू गेट लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, हमें जो फील्ड ऑफ व्यू मिलता है वो बड़ा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। ये रेयर व्यू के अंदर भी यूज होता है, रेयर व्यू मिरर होता है हमारे कार के अंदर, ठीक है, वहां पे भी ये यूज होता है। उन सभी के अंदर रीजन यही है बच्चों के, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू देता है, ठीक है। सिंस दे आर कर्व्ड इन अ मैनर बल्जिंग आउटवर्ड्स, दे हैव अ लार्ज फील्ड ऑफ व्यू देन द कॉनकेव टाइप। सम सुपर मार्केट्स हैव हाउ इंस्टॉल द लार्ज कॉन्वेक्स मिरर एट द टर्निंग सो दैट वी दैट टू कस्टमर्स डोंट कोलाइड, ठीक है। आप देखते होंगे जहां पे टर्न होता है ऐसे, ठीक है, शार्प टर्न, वहां पे भी लगाया जाता है ये कॉन्वेक्स मिरर, जहां पे आपको दोनों साइड का दिख सकता है, तो वहां पे बेटा एक्सीडेंट होने से हम बचा सकते हैं। तो ये होते हैं इसके कॉनकेव और कॉन्वेक्स के रूल्स, सॉरी यूजेस। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो यू कैन। ओके बच्चों, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स के हमने यूज सीख लिए, बहुत इजी होते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के अंदर भी आपको दिया हुआ है, एक पैराग्राफ के अंदर ये सब उसमें से ही लिया हुआ है मैंने। ओके, चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड साइन कन्वेंशन। सी, ये थियरी वाली पार्ट हो गया, अब हमें एक्चुअल न्यूमेरिकल्स के अंदर जाना है, और न्यूमेरिकल्स को अगर यूज करना है, ज्यादातर हमारी दिक्कतें जो होती है वो न्यूमेरिकल्स के अंदर ही होती है, हमारे साइन कन्वेंशन, ठीक है सर। इसके अलावा कोई यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? हाँ बेटा, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में अभी तो इतना ही है, ठीक है, आगे जाके आप देखोगे तो 12th स्टैंडर्ड के अंदर कॉन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को, बोथ को कंबाइन करके हम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, बट वो अभी हाँ आपके कैमरे जो होते हैं, कैमरा होता है उसके अंदर भी होता है ये सारी चीजें, वो धीरे धीरे आएगा, 10th के लिए इतना ही है। आगे जाके फिर आपको टेलीस्कोप के अंदर, फिर कैमरा के अंदर, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक पूरी फिजिक्स होती है उसके अंदर आएगा, ठीक है। ओके, साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। अब ये साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स को क्यों पढ़ना है? द फर्स्ट थिंग, व्हाई क्वेश्चन मार्क आता है कि क्यों पढ़ना है? तो बच्चों अगर इसको नहीं पढ़ा तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत दिक्कत होगी। सर क्यों बनाया साइन कन्वेंशन? देखो भाई, हमने है ना ये सारी चीज तो बता दी कि कॉनकेव है, कॉनवेक्स है, लेकिन अगर मान लो मुझे ऐसा बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट को एक मिरर से, मिरर मुझे नहीं पता है, ऑब्जेक्ट को मिरर से 30 सेंटीमीटर तक दूर पे रखा था, और जो उसकी इमेज आ रही थी वो 60 सेंटीमीटर आ रही थी माइनस, तो ये माइनस प्लस लगाने से क्या मुझे नेचर ऑफ द मिरर पता चल सकता है? आंसर इज यस, वो कौन सा मिरर होगा वो भी हमें पता चल सकता है, बट उसके पहले आपको क्या पढ़ना पड़ता है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का पहला रूल होता है, ऑल द डिस्टेंसेस, ऑल दी डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दी पोल। जितने भी डिस्टेंस होंगे बच्चों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, वो सभी के सभी कहां से मेजर किया जाएगा बच्चों? पोल से। कहां पे होता है पोल? सर यहाँ पे सेंटर पे होता है पोल। हाँ सर, अब यहाँ पे ये होती है एक्स और वाई, जो
जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक्स और एक्स वन दिया है, मैं एक्स वाई भी बोल सकता हूँ, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रंट ऑफ द मिरर लाइक दिस, ये आपका क्या है बेटा? कॉनकेव मिरर है। ओके सर, अब कॉनकेव मिरर पोल से किस तरफ आप मेजर करोगे? सर इस तरफ। हाँ सर, ऑब्जेक्ट इतना दूर रखा हुआ है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम द पोल। अब यहाँ पे अभी हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैं पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करूंगा, मैं किस तरफ आया? लेफ्ट साइड। तो बच्चों याद रखना है एक चीज, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो सिंबल होता है वो होता है यू। क्या होता है बच्चों? यू। ओके सर, देन आफ्टर जो इमेज डिस्टेंस होता है वो होता है वी। इमेज कितनी दूर बनी तो हम बोलेंगे सर इतना, तो बट इसको हम वी से डिनोट करते हैं, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। ओके सर, अब हमने लेफ्ट साइड अगर गए तो आपको क्या मेजर करना है? उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देनी। जो भी चीज अगर नेगेटिव साइड होगी, यानी कि लेफ्ट साइड मेजर करोगे, उसको आपको मेंशन करना है नेगेटिव साइन। ओके सर, इसको हम फंडामेंटली ऐसे समझाते हैं कि अगर आप इंसिडेंट रे इस तरफ जाती है, अगर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट में डिस्टेंस मेजर करते हो तो उसको नेगेटिव लेना है। हाँ कैसे सर? जैसे कि ये ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन गई ऐसे सीधा, बट अगर मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, मेरे को पोल से इस तरफ आना पड़ेगा। हाँ सर, यानी कि इंसिडेंट रे इस तरफ है और आपका डिस्टेंस मेजर करना इस तरफ है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर करोगे तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? हाँ सर, देखो याद रखना भी हो तो भी रख सकते हो, अदरवाइज आपको हमेशा याद रखना है कि यू हमेशा माइनस होता है, क्योंकि कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड ही रहता है, यानी कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है बच्चों? नेगेटिव ही लेना है। क्लियर है? ओके सर। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समझ लिया, अब बात आती है इमेज डिस्टेंस। तो अगर मान लो इमेज यहाँ पे बनी है नीचे की तरफ, इस साइड लेफ्ट साइड में, सर आपने तो बोला कि अगर लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस होंगे माइनस लेंगे, और अगर मान लो इमेज यहाँ पे बनी है तो ये पोल से किस तरफ गए आप? राइट साइड, और राइट साइड के डिस्टेंसेस को हम क्या कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव डिस्टेंसेस। कैसे कैसे करते हैं बच्चों? पॉजिटिव डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, बहुत इजी होता है, अगर आपने यू हमेशा नेगेटिव लेना है, क्योंकि कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है? लेफ्ट साइड ही रहता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चों? जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आगे न्यूमेरिकल के लिए, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए बच्चों। श्रेयांशी, अमी, शिव, अतुल्या, प्लीज जल्दी से बच्चों आप अपना कंफर्मेशन दीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ इसमें। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ ये चीज तो हमने समझ ली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव वाले डिस्टेंसेस मेजर करते हो, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव वाले, अबोव यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, यस और नो? हाँ, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव यानी कि ऊपर जो होता है वो होता है प्लस, देखो ऐसा आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है, वही है और कुछ नहीं है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? हाँ सर, यहाँ पे प्लस एक्स होता है, यहाँ पे माइनस एक्स होता है, यहाँ पे माइनस वाई होता है, यहाँ पे प्लस वाई होता है। हाँ सर, बात तो सही है। अगर कोई भी चीज, ये ओरिजिन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब ओरिजिन को हमने क्या कंसिडर किया है? पोल। क्या कंसिडर किया है बच्चों? पोल। ओके, अगर मैं इस तरफ के डिस्टेंसेस मेजर करूंगा तो ये कैसे होंगे? प्लस होंगे। अगर मैं इस तरफ के डिस्टेंसेस मेजर करूंगा ये कैसे होंगे? माइनस होंगे। हाँ सर, बात तो चल गई पता। अब अगर मैं ऊपर की तरफ मेजर कर रहा हूं तो मेरे लिए ये प्लस वाई में जा रहा है, यानी कि अगर मेरे को हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताए, क्या बताए? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सर इतनी हाइट है, यानी कि मैं इसको ऊपर की तरफ मेजर करूंगा। हाँ सर, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है। हाँ सर, अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि इमेज इस तरफ भी बन सकती है, इमेज इस तरफ भी बन सकती है, और ये जो इमेज है वो सीधी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, रटना नहीं है, जब तक रटोगे तो नहीं पता चलेगा। अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सेट कर लो कि कॉनकेव मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट इस तरफ रहता है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट इस तरफ रहता है, वो तो लेफ्ट साइड ही रहता है, तो लेफ्ट साइड तो हमेशा माइनस होता है। हाँ या ना? हाँ सर, बात तो एकदम सही है, यानी कि साइन कन्वेंशन के अंदर यू हमेशा माइनस लिया जाएगा। हाँ, अगर कॉनकेव मिरर है, अगर कॉनकेव
कॉनकेव मिरर है या तो कॉन्वेक्स मिरर है, यू को हमेशा माइनस लेना है। इज दिस क्लियर? यस सर। फोकल लेंथ भी कंक्लूड कर लेते हैं, चलो जल्दी से। अगर हम यहां पे फोकल लेंथ को कंक्लूड करें, सर फोकल लेंथ क्या होता था? फोकल लेंथ सर ऐसा होता था डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये कौन सा मिरर, जल्दी से बताओ बच्चों, कौन सा मिरर है ये? सर कोई मिरर नहीं है, जब तक बंद नहीं करोगे तब तक, है ना? हाँ सर, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है फोकल लेंथ। ओके, कहां से डिस्टेंस मेजर करना है, रूल क्या कहता है? सर पोल से। कहां से? पोल से इस तरफ आओगे। यानी कि सर अगर मैं कॉनकेव मिरर को कंक्लूड करूंगा तो कॉनकेव मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी? माइनस। क्यों? आप नेगेटिव साइड मेजर कर रहे हो। और अगर मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर हो, कौन सा मिरर हो बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर हो, सो हियर यू कैन अप्लाई पोल, हियर वी हैव फोकस, वी हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ वी नो दैट सर कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस प्लस होता है, और पोल से तो हम सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं। हाँ सर, तो अगर मैं पोल से फोकस की तरफ जा रहा हूं तो मेरे को एक चीज पता चल गई, कॉन्वेक्स मिरर जो होगा उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये चीज बेटा गांठ बांध के याद रख लो। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ प्लस होती है। इज दिस क्लियर? ये चीज तो याद रखनी पड़ेगी, अगर ये चीज नहीं याद रखोगे बेटा तो समझ में नहीं आएगा। ओके सर, ये चीज हमने समझ ली। यानी कि बेटा हमने क्या समझा? साइन कन्वेंशन समझा। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर बेटा आप मिरर से लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस मेजर करोगे वो नेगेटिव होंगे, राइट साइड के करोगे तो पॉजिटिव होंगे। ओके सर, अगर आप हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट मेजर करोगे तो वो ऊपर की तरफ होगा यानी कि प्लस, अगर आप हाइट ऑफ दी इमेज मेजर करोगे तो वो नीचे की तरफ होगा माइनस। वो दोनों तरफ हो सकता है, नीचे यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, अब देख लो सर यहाँ पे फिगर में, जल्दी से बच्चा पार्टी जल्दी से देख लो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी हो सकता है इमेज, और ये इमेज यहाँ पे भी हो सकती है। लेकिन अगर साइज को मेजर करना है, उसकी हाइट को मेजर करना है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को देखना है। कौन सी एक्सिस को? वाई एक्सिस को। ठीक है, अगर ये वाई ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो प्लस, और अगर नीचे की तरफ कर रहे हो माइनस। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों? जल्दी से थम्स अप दे दीजिए बच्चा पार्टी, तो हम अब न्यूमेरिकल्स करें, चलिए जल्दी से। ओके चलिए, शिव ने बता दिया कि ये ओके है। अमी, अतुल्या, खुशबू, जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी। ओके, तो ये साइन कन्वेंशन होता है पूरा यहाँ। ठीक है, ओके सर, अब क्या करेंगे? अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स की ओर, लेकिन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने से पहले हम कुछ टूल सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? टूल्स। क्या होता है सर ये टूल? पहले तो हम आपको बताएंगे मिरर फॉर्मूला। क्या बताएंगे? मिरर फॉर्मूला। इसका एक डेरिवेशन होता है, बट सर वो डेरिवेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। हम मत करना, वैसे भी 12th और 11th के फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा ही, तो वहां पे डेरिवेशन कर लेना। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? एक चीज याद रखना कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। ओके, वेर f इज द फोकल लेंथ, f इज फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस। v क्या है बच्चों? इमेज डिस्टेंस। एंड u क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। ओके सर, अब है ना एक चीज याद रखना, देखो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये क्या है? कॉनकेव मिरर। ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके सर, अब मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि क्या ये एक स्फीयर का ही पार्ट है? हाँ सर, आपकी बात तो सही है, ये एक स्फीयर ही होता है एक छोटा सा। ठीक है, उसके अंदर ही ये सारी चीजें हो रही है। हाँ, अगर मैं बच्चों आपको ऐसा बोलूं कि एफ और पी का जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ, एंड एट दैट टाइम आई आल्सो टोल्ड यू कि जो सी और एफ के बीच का डिस्टेंस होता है वो भी फोकल लेंथ ही होता है। हाँ, सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अगर आपके पास एक स्फीयर है और सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी को आप क्या बोलते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो। और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कितने एफ दिखाई दे रहे हैं? दो एफ दिखाई दे रहे हैं, एक पोल और फोकस का और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच का। तो शुड आई राइट आर इज इक्वल टू 2f ओवर हियर? यस और नो? यस। रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है सर, फोकल लेंथ का डबल होता है। हाँ सर, बात तो सही है। दो फॉर्मूला हमने सीखे, एक 2f इज इक्वल टू आर और एक
वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाय यू, जो कि हमने बोल दिया है। और ज्यादातर ये डिस्टेंस बेटा मिरर के अंदर बहुत दूर दूर नहीं होते, तो हम सेंटीमीटर के अंदर ही इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो सारे डिस्टेंस सेंटीमीटर में आप कंक्लूड कर सकते हो। ओके, ये क्लियर हो गया। हाँ सर, मिरर फॉर्मूला होता है वन बाई सी, यहाँ पे प्लस और माइनस में ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, लेंस पे माइनस होता है इसलिए। ओके सर, अब क्या करें? अब है ना सर, हमें एक और चीज पढ़नी है, क्या, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। क्या नाम है? अब मैग्निफिकेशन को मैं है ना थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज दूंगा उसका स्क्रीनशॉट या तो आप उसकी नोट्स में लिख देना। मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो भाई, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक पेन है, ये क्या है, एक पेन है, और उसका अगर मैंने मिरर के सामने दिखाया, पेन बहुत बड़ी बन गई, यानी कि जो हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ दी इमेज है, उसमें कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, आएगा तो सही। तो मैग्निफिकेशन इज दी रेशियो, इज दी रेशियो ऑफ दी हाइट ऑफ दी इमेज टू दी हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशन याद रखना बच्चों प्लीज, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या सर हम इसका इक्वेशन बना सकते हैं? मैंने बोला हाँ। एच ओ और एच आई, देखो ये चीज याद रखना, यहाँ पे ही लिख रहा हूं, ठीक है। एम इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे, डेरिवेशन तो नहीं, बट अभी मैं आपको मैग्निफिकेशन समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी डिनोशन बता देता हूं। एक होता है हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, जिसको हम एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एच ओ से। एच ओ इज व्हाट? हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, याद रखना है इसको, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ओके सर। पर एक होता है बेटा एच आई, जिसको हम कहते हैं हाइट ऑफ दी इमेज। ओके सर, समझ गए। मैग्निफिकेशन क्या है सर? रेशियो है किसका? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ये तीन फॉर्मूला मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए बच्चों, प्लीज इसको अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन कर दीजिए। ओके सर। और एक और फॉर्मूला फ्री में मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, फ्री में तो कुछ मिलना चाहिए ना सर। हाँ सर, टाइम निकाल के आ रहे हो और आप फ्री में कुछ नहीं दे रहे हो। मैंने बोला लेते जाओ फ्री में। और एक भी फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन माइनस वी बाय यू, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो दो फॉर्मूला होते हैं मैग्निफिकेशन के, एक होता है एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ये सिर्फ फॉर्मूला के अंदर है ना, आपको सिर्फ अभी याद रखना है। मैं इसका डेरिवेशन करवा सकता हूँ, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको 12th के लिए छोड़ देते हैं। अभी सिर्फ हम फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देते हैं, और ये फॉर्मूला जितने अच्छे से हमने पढ़े होंगे तभी बेटा न्यूमेरिकल्स की अप्रोच लगा सकते हैं। क्या ये मेरी बात सबको क्लियर हो गई बच्चों? जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए, हाँ या ना। जाग रहे हो कि सो रहे हो सर? सर तो जाग रहे हैं लेकिन हम सो रहे हैं। नहीं, सब नहीं सो रहे हैं, शाबाश बच्चे। चलिए अब है ना, मैं है ना एक चीज आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट खींच लिया सबने? मैंने बोला था मैं मैग्निफिकेशन के अंदर कुछ एडिशनल चीजें बताऊंगा। क्या है सर वो? देखो भाई, मैग्निफिकेशन दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के। मैग्निफिकेशन रियल इमेजेस के लिए भी मिलता है और वर्चुअल इमेजेस के भी लिए मिलता है। अगर मैग्निफिकेशन माइनस आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मान लो मैंने कोई नंबर लिखा ना और मैग्निफिकेशन का रेशियो लिया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 थी, हाइट ऑफ द इमेज 1 आ रही है, मैंने 2 बाई 1 कर दिया, 0.5 आया, लेकिन प्लस आया। कैसा आया? प्लस। तो वो प्लस है, उसका मतलब ये होगा जो इमेज होगी वो क्या होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। क्या होगी बच्चों? वर्चुअल होगी और इरेक्ट भी होगी। क्या ये चीज याद रह गई? अगर मैग्निफिकेशन का आंसर प्लस निकल के आता है सर, इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ओके, दूसरी चीज, अगर वो नेगेटिव निकल के आती है तो वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ये मेंशन कर लो, ये मेंशन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके सर, अब क्या, अब यहां पे आपको याद रखना है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे एनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे बच्चों? एनलार्ज्ड। अगर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का आंसर 1 आ रहा है, तो उसका मतलब बोलेंगे जो इमेज होगी वो क्या होगी?
सेम साइज होगी। ओके सर। और अगर मैग्निफिकेशन का आंसर, अगर मैग्निफिकेशन का आंसर लेस देन वन आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, लेस देन वन, तो इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड होगी। ये भी लिख लीजिए बच्चों जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं है ना आपको एक ये स्क्रीनशॉट खींच लेना बच्चों, ठीक है। ओके नाउ मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूं। देखो अगर मैं मैग्निफिकेशन का आंसर 1.5 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, 1.5, एग्जाम्पल है, ठीक है, या तो क्वेश्चन भी बोल सकते हो। अब यहां पे बच्चे गलती या क्या करते हैं देखना, जस्ट मिनट। अगर मैं यहां से क्वेश्चन पूछूं बच्चों, ये जो मैग्निफिकेशन है वो -1.5, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो इसको है ना दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहले तो साइन से, मैंने बोला कि साइन अगर माइनस हो तो वो रियल इमेज होती है, यानी कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी। ओके सर। और जब आपको साइज को देखना है, माइनस हो या प्लस, अपने को देखना ही नहीं, याद रहेगा ये चीज, याद रखना, अगर वो +1.5 हो या -1.5 हो, जब उसको साइज में देखना है, साइज में माइनस पॉजिटिव सब कुछ भूल जाना है। 1.5 सर, 1 से बड़ा है, क्या है, 1 से बड़ा है, यानी कि ये कैसी इमेज होगी, एंड लास्ट होगी। इज दिस क्लियर, यस और नो? यस सर, इज दिस क्लियर? चलिए दूसरा कर देते एक बार क्वेश्चन। मैंने बोला सर मैग्निफिकेशन जो है वो +2 है, क्या मतलब होगा इसका, जल्दी से बताइए अपने चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी से। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी या इरेक्ट होगी, और +2 यानी कि एनलार्ज होगी, डिमिनिश्ड होगी या सेम साइज होगी, चलो जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। यस, पहला चेट आ गया है, कौन है ये? ओके एक बार ऊपर दिखा दीजिए, एम वाला, हाँ ये रहे बेटा। एम अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, अगर एम पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, एम अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, यानी कि एनलार्ज, एम अगर 1 है तो सेम साइज, और अगर एम है लेस देन 1 तो डिमिनिश। मैंने बोला कि जब साइज को देखना है तो डोंट कंसीडर, जब साइज को कंसीडर करना है तो डोंट कंसीडर नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? यस, ओके। वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज, वेरी गुड अमी, एनलार्ज एंड वर्चुअल, वेरी गुड अथुल्या, वेरी गुड बच्चों, आप बहुत अच्छे तरह से जा रहे हो, ठीक है, ऐसे ही बने रहिए। तो ये चीज हमने समझ ली, चलो अब हम एक्चुअल वाले न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, या तो 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। चलो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ वी अवॉइड द सिली मिस्टेक, जो कि मेरा सस्पेंस था, मैंने पहले ही बोला था कि अगर ये लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है, ये रूल आपको लगाना है। जब भी कभी आपको बेटा क्वेश्चन दे, उसके पहले आपको क्या निकालना है, डेटा निकालना है। जब डेटा अच्छे से दिख लोगे, अब हमें क्या करता है बेटा, बहुत जल्दी होती है, पता नहीं हमारी अंबानी के साथ कौन सी मीटिंग होगी, ठीक है, बहुत जल्दी रहती है, जो भी दिया करते हैं खत्म कर देते हैं, बट पता लगता है कि सर एक माइनस नहीं लिखा होता ना तो फुल मार्क्स आते, वो जीरो हो जाते हैं, सिर्फ माइनस की साइन। टू अवॉइड द सिली मिस्टेक वी यूज अ स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट्स। देखो कैसे, पहले हम डेटा लिखेंगे, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होता, तो एक चीज याद रखनी, उसका रट्टा मारना है, क्या मारना है, रट्टा मारना है सर। ओके देन सेकेंड थिंग, डेटा जितना अच्छे से हो सके उतना लेना है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, पहले ही बोल दिया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या बोल दिया सर, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। ओके सर। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, हमेशा याद रखना है, ये एक बेटा मास्टर माइंड है, जिसके भी लिए सोल्व कर रहे हो, कोई भी मिरर हो उसका नाम लिख देना है ऊपर, कॉनकेव मिरर। आपकी प्रेजेंटेशन जो होगी ना बेटा मस्त हो जाएगी एकदम। ओके सर, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कितना, कॉनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। ओके सर, यानी कि यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, लेकिन सर माइनस लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, हाँ या ना? हाँ सर, बात तो एकदम सही है। विच प्रोड्यूसेस 3 सेंटीमीटर हाई इन्वर्टेड इमेज, कैसी इमेज बना रहा है बच्चा, 3 सेंटीमीटर हाई इन्वर्टेड इमेज। ओके सर, दैट मींस हाइट ऑफ द इमेज दी हुई है, क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज दिया हुआ है, कितना बच्चों, 3 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ,
कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के अंदर ये भाई साहब इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है, यानी कि नेगेटिव आया के गया। हाँ सर आया। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एफ फाइंड करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। वी भी नहीं है, एफ भी नहीं है। सर ये कैसा सवाल हुआ? अरे बेटा आ जाएगा, थोड़ी देर शांति रखिए। हाँ सर ओके। तो सर एक काम करते हैं, पहले है ना मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन एच ओ, दिस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके सर, मैग्निफिकेशन एच आई कितना है बच्चा? -3। ओके एच ओ कितना है सर? 2 सेंटीमीटर। हाँ या ना? हाँ। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, रेशियो है ये। ओके -3/2 यानी कि -1.5 सेंटीमीटर या मीटर? सर कोई यूनिट नहीं होता। ओके मैग्निफिकेशन आ गया। हाँ सर आ गया। अब क्या करेंगे? अब सर मैग्निफिकेशन का तो आपने दूसरा फॉर्मूला भी बताया है, कौन सा? एम इज इक्वल्स टू -V/U। एम की वैल्यू कितनी आई सर? -V/U की जगह पे मैं -1.5 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? यस और नो, थम्स अप कर दीजिए। मैंने एम की जगह पे वैल्यू रख दी बेटा क्या? -1.5। पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा। हाँ सर एकदम सही। यस और नो? यस। माइनस से माइनस कट गया यानी कि ये क्या बना? वी अपॉन यू इज इक्वल टू 3/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए। 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ ना? हाँ। यहां से मैं वी को सब्जेक्ट बना लूंगा। क्या? वी को सब्जेक्ट बना लूंगा। ओके अगर मैंने वी को सब्जेक्ट बनाया तो यू किस तरफ जाएगा सर? मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, यानी कि 3/2 × u बना देंगे। हाँ सर बात तो सही है। अब सर मेरे पास u है, कहाँ है कहाँ है? हाँ सर -16। वेरी गुड, -16 है सर। 2 8 जा 16, 8 3 जा -24। सर v आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया। हाँ सर बात तो सही है। अगर v आ गया है सर तो अब क्या करेंगे? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे रफ करना है। अगर सर v आ गया है तो अब हम क्या करेंगे? अब हम फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे। चलिए जल्दी से फोकल लेंथ को फाइंड करते हैं। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक मिरर फॉर्मूला लिखना है। मिरर फॉर्मूला एग्जाम में प्रेजेंटेशन के मार्क्स है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सर अवॉइड द सिली मिस्टेक। हाउ वी अवॉइड द सिली मिस्टेक? यूजिंग द ब्रैकेट्स। फोकस। फोकल लेंथ कितनी बच्चों? नहीं दिया है सर। वी कितना? वी 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 ब्रेकेट यूज करना है छोटे बच्चों की तरह ऐसे, ठीक है। भले अपने को मैथ बहुत आती है लेकिन बच्चों यहाँ पे धुरंधर जो होते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनकी भी बेटा मिस्टेक से होती है। टू अवॉइड द सिली मिस्टेक हम आराम से जाएंगे, ठीक है। जैसे बहुत इजी में आपको समझ में आ जाएगा कि मिस्टेक्स नहीं होगी। प्लस यू, यू कितना है बच्चों? -16। सर ने बोला था ब्रेकेट यूज करना है। ओके सर अब क्या करें सर? चलिए जल्दी से बताइए अब क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको ऐसा भी कर सकते हैं, -24 और ये -16। हाँ या ना? हाँ सर। अब सिंपली इसका एक एलसीएम लेना है दोनों का, और बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आप इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। किसमें आएगा बच्चों? सेंटीमीटर में। इसको है ना हम अगर माइनस साइन को कॉमन ले, अगर मैं मैथ थोड़ी दिखा दूं आपको, ठीक है, माइनस को कॉमन ले ले तो ये 1/24 + 1/16 भी आ सकता है, ठीक है। क्रॉस मेथड आपको पता है, वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो इसका एलसीएम ले सकते हो। कितना होगा इसका एलसीएम? 24 और 16 का एलसीएम कितना लोगे? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चैट बॉक्स के अंदर सो रहे हो या जाग रहे हो? 24 और 16 का एलसीएम आई ला, कोई नहीं, एक आंसर आया, दो आंसर आए, 48। वेरी गुड, 48 एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा बच्चों? देखो मैं यहां पे स्टेप कर रहा हूं। चलो सर पहला है दिन तो न्यूमेरिकल का, तो थोड़ी मैथ्स दिखा देते हैं। ओके 48 एलसीएम ले लिया, तो 48 एलसीएम लिया तो ऊपर 48 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -2। ओके सर, और यहाँ पे कितना हो गया? -3, यानी कि ये कितना आया? -5/48। इसका रेसिप्रोकल ले लो सर, तो रेसिप्रोकल लेने से ये क्या हो जाएगा? 48/5 माइनस, तो ये हो गया बेटा आपका
फोकल लेंथ, इसको फिर आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। डिवाइड करके ऐसे 48 को 5 से डिवाइड करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये हो गया बेटा न्यूमेरिकल आसान से सोल्व, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आया कि गया बच्चों, जल्दी से थम्स अप करिए, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं चलिए जल्दी से। और ये न्यूमेरिकल मैं आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे रखूंगा, मैं आपको टाइमर दे रहा हूँ 5 मिनट का, उसको आपको सोल्व करना है। और जिसका भी पहला आंसर देंगे वो आज की क्लास का सुपर हीरो होगा, ठीक है। चलिए, सुपर हीरो इन द सेंस ऑफ न्यूमेरिकल। हाँ सर, मैं बैटमैन नहीं हूं। ओके चलिए, ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दुड़ दुड़ 7 करोड़ का क्वेश्चन, ठीक है। सर क्या सुबह सुबह में, सॉरी रात रात में। चलिए चलो चलो जल्दी से सॉल्व करो। कौन सॉल्व करेगा जल्दी से बताओ, क्या पूछा है। एन ऑब्जेक्ट है, 4 सेंटीमीटर साइज है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है, वी निकालना है। अरे यार ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्या दिया हुआ है सर, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी है सर 4 सेंटीमीटर, कहाँ पे रखा था 25 सेंटीमीटर दूर, कहाँ पे सर ने बोला जो भी मिरर हो ऊपर लिख देना है, कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर बच्चा पार्टी, कॉनकेव मिरर। ओके यू दिया हुआ है, माइनस या प्लस, सर माइनस होता है, आप बार बार ऐसा मत पूछो। ओके फोकल लेंथ भी दे दी है, कितनी, -15, क्योंकि कॉनकेव है, यस और नो। हाँ सर बात तो सही है। अगर मैं इसमें एक छोटा सा आपके लिए गूगली क्वेश्चन दू, चॉकलेट प्रॉब्लम, ठीक है सर, अगर मुझे इसका रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी बोले तो क्या करूंगा, कि भाई इसको सोल्व करो और इसका रे डायग्राम बनाओ, तो क्या वहां पे आप 25 सेंटीमीटर पूरा लेने जाओगे, कि चलो मैम दूर हो जाओ, मुझे पेपर में 25 सेंटीमीटर लेना है, बड़ा सा चार्ट पेपर दो, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ सर बात तो सही है। चलो भाई जल्दी से, पहले तो हम इसको क्या सोल्व करेंगे, 1 अपन f = 1 अपन v + 1 अपन u, क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है कि पोजिशन ऑफ द इमेज, पोजिशन ऑफ द इमेज दैट मींस इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, वी निकालना है। फोकल लेंथ को पुट करोगे कितनी है, ब्रैकेट यूज करोगे, -15, हाँ सर वी नहीं है सर तो उसको एज इट इज रखेंगे, यू है हमारे पास, भले माइनस नहीं आता है मुझे पता है सर, यहाँ पे प्लस एज इट इज रखना है, यू को ब्रैकेट में लिखना है कितना, -25। ओके सर अब क्या करेंगे, अब सर यहाँ पे काम करो, -25 है इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 अपन v, ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा ना बच्चों, तो ये हो गया +25, यहाँ पे तो माइनस पहले से ही था 15, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। हाँ 75 इसका एलसीएम ले लो, 3 ज़ा 75, 5 ज़ा 75, हाँ या ना, -2 अपॉन 75 ये होता है आपका 1 अपन v, तो v कितना हो गया 75 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 34, यानी कि 35.5 समथिंग होगा, 75/2, ठीक है ना, 70 का आधा 35, तो ये कुछ इसके बराबर होगा, ठीक है 75 के बराबर भी, कितना टाइम हुआ है 8, किसने आंसर दिया, किसने आंसर दिया जल्दी से, ओके 37.5, सॉरी 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 माई मिस्टेक माई बेड, 37.5 माइनस सेंटीमीटर, ठीक है वी आ गया सबका, यस वेरी गुड ईशान वी, वेरी गुड ईशान वी, अम्मी बोल रही है 9.6 फोकल लेंथ, अच्छा वेरी गुड अम्मी, 37.5 सबका आ गया आंसर, वेरी गुड। अब सर अभी है ना इसका नेचर पूछा है, नेचर कहाँ से मिलता है, नेचर मिलता है मैग्निफिकेशन से, तो एम इज इक्वल टू आपको क्या लेना पड़ेगा, -v/u, बट सर इसकी हाइट भी पूछी है, क्या पूछी है हाइट, तो हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट पूछी है ना, ओके वी तो आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया, पहला पड़ाव कंप्लीट, 3 मार्क का क्वेश्चन है, वी आ गया 1 मार्क हो गया, अब मुझे हाइट भी पूछ रहा है, हाइट ऑफ द इमेज m इज इक्वल टू होता है -v/u, और m इज इक्वल टू होता है hi/ho, ठीक है m की जगह पे hi/ho रख दिया, ये हो गया -v/u। चलो भाई जल्दी से, क्या नहीं है आपके पास,
आपके पास क्या नहीं है बच्चों, हाइट ऑफ द इमेज नहीं है ना, तो एच आई को सब्जेक्ट बनाओ, एच ओ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस वी बाई इंटू एच ओ, वैल्यूज को पुट करो माइनस। अब बच्चों यहाँ पे 37.5 मत लेना, डोंट टेक 37.5 एज अ वी, प्लीज टेक -75/2। माइनस तो एज इट इज था पहले का, यहाँ का माइनस तो एज इट इज था, और ब्रेकेट में क्या लिखेंगे, -70.5, ठीक है, और आगे एक माइनस तो है ही, इसलिए बेटा मैं बोल रहा था ब्रैकेट यूज करो, क्या यूज करो, ब्रैकेट। ओके सर, वी आ गया। अब यू कितना था, यू यू कितना था बच्चों, -25। ओके -25 ब्रैकेट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी थी, 4। इसको सोल्व करने के बाद कितना आता है बच्चों, जल्दी से बताओ, माइनस माइनस पहले प्लस हो गया, ये वाला 75/2, इसमें -25 तो है ही और ये 4, ठीक है, ये 2 2 4, -25 3 75, -6 आंसर आ रहा है मेरा, तो हाइट ऑफ द इमेज कॉनकेव है ना, सेंटीमीटर लगाना ना भूले, कॉनकेव में इनवर्टेड इमेज होती है, तो अगर प्लस आंसर आ रहा है तो आपकी मिस्टेक्स, हाइट ऑफ द इमेज आई 6 सेंटीमीटर। ओके बात तो सही है सर। अब मैग्निफिकेशन फाइंड कर दो, मैग्निफिकेशन को फाइंड करने के लिए सर डायरेक्ट यूज करें एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, मैंने बोला कर लो कोई दिक्कत नहीं, हाइट ऑफ द इमेज -6, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट +4, ये कितना हुआ 3/2, यानी कि -1.5, ये क्या हुआ -1.5। सर मैग्निफिकेशन माइनस है, माइनस है तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके और 1.5, अब साइज देखनी है तो माइनस को भूल जाओ सर, 1 से ज्यादा है यानी कि एंड लास्ट, खत्म। इज इट क्लियर, जल्दी से बेटा थम्स अप कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। आया कि गया बेटा, हम अनम्यूट कर रहे हैं आपको, ठीक है, डाउट्स आपके कोई भी होंगे तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, बट मैं उसके पहले आपको, मैंने गूगली क्वेश्चन पूछा था क्या, रे डायग्राम बनाना है इसका, कैसे बनाओ, मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो भाई सिंपल सा फंडा होता है, जब भी आपको रे डायग्राम पूछे आपके पास दो चीज होनी चाहिए, पहली यू एंड सेकेंड एफ। देखो भाई कॉनकेव मिरर था, क्या था, कॉनकेव मिरर, ये पोल था, ये फोकस था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, पहले सेट करना है फोकल्स, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ कितनी दी है बच्चों 15 सेंटीमीटर, ओके -15 या तो +15, इसमें तो पता चल सकता है कि -15 है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 25, एक बात बताओ अगर ये 15 तो ये भी कितना 15, यानी इसकी रेडियस कितनी हुई 30, टोटल यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 30, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है 25, यानी कि कहीं पे सी और एफ के बीच में, अब इसका तो आपको पता ही है बिटवीन सी एंड एफ वो तो पैरेलल जाती है, तो फोकस से, और फोकस से गई तो पैरेलल बियॉन्ड सी मिलती है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना, अब आपके डाउट्स